हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? गुड। तो अब हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस का चैप्टर 11, क्या नाम था, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने एनिमल्स में देख लिया ट्रांसपोर्टेशन, तो अब हम किस में देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 128 पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे होते, कौन कौन से पदार्थ होते हैं ऐसे जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हमने चैप्टर 1 में सीख लिया है कि प्लांट्स क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं, जो किसके रूट्स होते हैं उसके अंदर सोइल होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लीव में चल जाते हैं, सारे पार्ट्स में चल जाते हैं। ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस टाइम क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, फूड बनता है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके। ये ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो आपने देखा था जैसे कि जब क्या बोलते हैं, किस में होता है, जब प्लांट्स में होता है, जब प्लांट्स में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का जब होता है ब्रेकडाउन, तो क्या होता है उसमें एनर्जी नहीं निकलती। ठीक है, ग्लूकोज निकलता है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी और लाइफ, जो एनर्जी हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो आपको होता है इसलिए फूड का अवेलेबल होना जरूरी है हर एक सेल में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। How the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food. आपको अब हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमको कहते हैं वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखना है। प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स। तो आपको पता है कि क्या अब्सॉर्ब कैसे करता है प्लांट्स, ये रूट्स, हमारे जो रूट्स होती हैं उसके अंदर जो रूट्स हेयर होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी हम रूट्स निकालते हैं अंदर से, तो उसके अंदर कुछ हेयर जैसे दिखते हैं ना, ऐसा, तो उसे रूट्स हेयर कहते हैं। उसके द्वारा ही वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है वाटर और मिनरल का। ठीक है, द रूट्स है वो रूट्स हैं, ये रूट्स हेयर है। ठीक है, और ये भी रूट्स हेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, वाटर के। द रूट्स हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, उसमें बिछा हुआ। ठीक है, कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। आप गेस कर सकते हो कि रूट के द्वारा पानी कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है, तत्व में पहुँचता है लीव्स में। वट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, कोई प्रकार का कोई सिस्टम दिया हुआ उसके अंदर। तो बुझे क्या सोचता है, बुझे सोचता है, बुझे थिंक्स दैट प्लांट्स मे हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट्स लाइक वी हैव इन अवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। मुझे क्या सोचता है, कोई पाइप दी हुई है कि रोड्स के द्वारा, रोड से वो लिप्स तक कैसे पानी पहुँचता है वहाँ पे, जैसे हमारे घर में पाइप होती है, ऐसा कोई सप्लाई दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ सेक्शन ऑफ फुट अ ट्री। तो यहाँ पर दिया है, रोड्स होते हैं, रोड्स हेयर हैं, इसके यहाँ थ्रू यहाँ पे जाता है, लिप्स में पहुँच जाता है। ठीक है, पर किसके थ्रू जाता है ये जो, तो क्या आएगा, झाइलम, झाइलम के थ्रू जाता है। ठीक है, और झाइलम जो ट्री होता है उसको जिला ऐसे ऐसे पट्टी अंदर होती है, उसको हम झाइलम कहते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जाता है वाटर। वेल बुजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड द झाइलम। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उसे झाइलम के थ्रू जाता है, और उसके बाद लीव्स में तो जाता है, पर वो लीव्स के बाद अलग अलग पार्ट में भी पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, वाटर ऐसा नहीं खाली लीव्स को ही चाहिए। द झाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट्स ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट्स। के पूरे जो झेलम होता है वो पूरा कंटिन्यूस नेटवर्क चैनल है जो रूट्स के साथ कनेक्ट होता है लीव्स थ्रू, उसके बाद लीव्स के स्टेम्स में, ब्रांच में एंड पूरे प्लांट्स में फैल जाता है। ठीक है, उसको 11.B में दिया गया है फिगर में।
ये वाला बी वाली आकृति देख सकते हैं ना, अभी इसमें दिया गया। ठीक है, उसके बाद फैली सेज हर मदर पुट्स लेडीज फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर सम वॉट ड्राई। पर क्या उसकी मदर लेडीज फिंगर और कुछ वेजिटेबल्स जो रखती है तो हम कुछ टाइम ड्राई क्यों हो जाता है। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इनटू देम। अब जानते हैं कैसे। यू नो दैट लिव्स सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वस्क्यूलर टिश्यू कॉल्ड द फाइलम। तो आपको पता है कि उसके अंदर जो झेलम के द्वारा होता है पुलालम के बाद फूड किसके द्वारा बनता है, फाइलम के द्वारा। ठीक है, दस झेलम एंड फेलोम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो आपको पता है प्लांट्स में जब क्या होता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट काम के लिए कौन से दो चीज़ चाहिए, इसमें वाटर पहुँचाने के लिए क्या होता है झाइलम और फूड पहुँचाने के लिए फाइलम। तो दो सब्सटेंस होता है क्या, झाइलम आएगा और फाइलम। ठीक है, अब एक्टिविटी 11.3 है, इसमें क्या दिया गया है, ये सब देख सकते हैं। एक ग्लास है, ठीक है, उसका रेड पानी ले लेना है, उसके अंदर एक डंठल काट के रख देना है। तो उसके बाद डंठल का भाग है उससे हमें जैसे कि डंठल है ठीक है उसको बीच में कट करेंगे, कट में से जो भाग जो होता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो रेड हो गया क्यों, क्योंकि उसमें कलर हमें मिलाया था, जो रेड में रेड है ना, इसको हम क्या कहते हैं झाइलम कहते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको देख लेना है, इस एक्टिविटी का वो रीड कर लेना घर से। ठीक है, अब हम ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। इन क्लास 9 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज द लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, नॉट ऑल द वाटर एब्सॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। तो आपको पता है जब प्लांट्स में न्यूट्रिशन और हम न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब चाहिए वाटर तो सोइल के द्वारा हम लेते हैं, पर क्या सभी यूज कर लेते हैं, नहीं, कुछ द वाटर ऑपरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेटेड ए सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर द ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या होता है, प्लांट्स उससे कूल रहते हैं। आपको पता है जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है मिनरल वाटर्स का सभी यूज नहीं कर लेते, कुछ जो इवेपोरेशन होता है पोरेशन के थ्रू क्या होता है, कुछ वाटर ये सब जो होते हैं कहाँ चल जाते हैं, मिनरल्स इन्वायरमेंट में चल जाते हैं, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देख लेंगे, जितना मैंने कराया आपको सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, आपको ये रीड कर लेना है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर देख लेना होमवर्क में। ओके, बाय एंड टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।